और जो लोग भी विश्वासघात किया है, जनता उसको इस बार उसके साथ विश्वासघात करे और जनता उसको सदन में नहीं आने देगी। ये तो आप जानते हैं, वो फिर लौटने वाले नहीं हैं, और जो कांग्रेस के भी लोग गए हैं फिर वो भी वापस नहीं आने वाले हैं। उसकी पार्टी भी आने वाले दिनों में उसका भी समाप्ति की ओर होगा उसकी राजनीति। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, कल विधानसभा का जो असेंबली सेशन था वो काफ़ी हैरान करने वाला था। आपने देखा है कि कल कैसे गठबंधन के 3 विधायक अपना पाला बदल करके बीजेपी के साथ आते हैं। आपको बता दें कि इस वाक्य के बाद से जो हंगामा है वो शुरू हो गया है, बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि विधायकों की पाला बदलने के बाद से जो गठबंधन के तमाम नेता हैं वो अपने ही विधायकों के ऊपर हमलावर हो गए हैं। आपको बता दें कि हॉर्स ट्रेडिंग का बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है भाजपा और एनडीए के ऊपर कि ये लोग खरीद फरोख्त करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और किसी तरीके से दूसरे जो अपोजिशन के विधायक हैं उनको अपने साथ लाते हैं। आपको बता दें कि जो है डेमोक्रेसी का जो है वो खात्मा करने का जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर। कहा जा रहा है कि भाजपा हमेशा लोकतंत्र की हत्या करती है और दूसरों के विधायकों को ऐसे ही खरीद फरोख्त करती है, उनको डराती है, धमकाती है, ईडी सीबीआई और तमाम चीज़ों का डर दिखा करके अपने साथ लाती है। आपको बता दें कि कल विधानसभा में कांग्रेस के 2 विधायक और आरजेडी की 1 विधायक जो है वो पाला बदल करके बीजेपी के साथ आ जाते हैं। आपको मालूम है कि संगीता कुमारी आरजेडी से, मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस से कल असेंबली सेशन के ब्रेक के दौरान बीजेपी के साथ आ जाते हैं और बीजेपी को अपना समर्थन दे देते हैं। आपको बता दें इसके बाद से सियासी जो गलियारा है बिहार का वो काफ़ी गर्म हो गया और अलग अलग बयान जो है वो देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी ये कह रही है कि वो अपने मर्जी से आए हैं, वो चाहते हैं कि भाजपा के साथ यानी कि तरक्की के साथ रहें, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन जो है बीजेपी और एनडीए के ऊपर साफ तौर पर डराने, धमकाने और प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने का जो है इल्ज़ाम लगा रही है और ये भी कह रही है कि ये लोग पूरे मुल्क में यही कर रहे हैं। इसी मामले पर जब हम लोगों ने आज आरजेडी के सीनियर लीडर भाई वीरेंद्र से सवाल किया तो क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। यात्रा पे है और आपके विधायक को मैं विश्वास नहीं आपकी पार्टी में लगातार, और जो लोग भी विश्वासघात किया है जनता उसको इस बार उसके साथ विश्वासघात करेगी और जनता उसको सदन में नहीं आने देगी। ये तो आप जानते हैं कि जहाँ कहीं के भी लोग हमारे दल के लोग गए हैं वो फिर लौटने वाले नहीं हैं, और जो कांग्रेस के भी लोग गए हैं फिर वो भी वापस नहीं आने वाले हैं। इसलिए जो लोग भी हॉर्स ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं और जो पार्टी इसमें लगा हुआ है, उसकी पार्टी भी आने वाले दिनों में उसका भी समाप्ति की ओर होगा उसकी राजनीति। और हॉर्स ट्रेडिंग से राजनीति नहीं चलती है, देश और प्रदेश का, प्रदेश और देश की सेवा करने की जिम्मेवारी आपको मिली है। अब तो ये हमारे नेता लोग जानेंगे, इस पर हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटा मोटा आदमी हैं, एमएलए हैं। अब हम जो लोग गए हैं उनसे सवाल कीजिए कि आप लोग कैसे कमज़ोर हो गए हैं, किन लोगों ने आपको टिकट दिलवाया और जिन लोगों ने विश्वास व्यक्त करके आपको टिकट दिया उनके साथ विश्वासघात क्यों किया आपने, उनसे पूछिए। और टूटेंगे नहीं टूटेंगे, जो टूटेंगे हम भी देखेंगे कौन लोग टूटेंगे। जो नाव परिचालन होता है बालू खनन में, उन लोग जो है अब सरकार ने इतनी सख्ती कर दी है कि वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, एक नाव 25 से 30 लाख रुपये में बनता है और लोग को चलान के अभाव में, अगर सरकार चलान उपलब्ध करा दे, नाव का रजिस्ट्रेशन करा दे, तो एक नाव पर 25 से 30 आदमी का रोजी रोजगार का मामला है। और हमारे क्षेत्र में और हमारे पटना जिला के, हमारे विधानसभा क्षेत्र के और फिर आरा, छपड़ा, इन जिलों का, 3 जिलों का कम से कम मैं जानता हूँ, इन लोग का रोजी रोजगार का है नाव, बालू और नाव, और एक नाव पर 30 आदमी करीब का रोजी रोजगार है। और सरकार से मांग आज यही किया हूँ कि आप चलान की व्यवस्था कराइए, नाव का रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि लोग अवैध रूप से न चलावे और एकदम निश्चित रूप से नियम के तहत चले, ताकि लोगों का रोजगार और उसका रोजी रोजगार का मामला है, किसी को पेट पर लात न मारे और लोगों को ऐसा कर दीजिए ताकि लोग अपना कमा कर खाने का काम करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।